कौन है ये वारदात की है, वो इस्लाम के दुश्मन है, वो कौम के दुश्मन है, वो देश के दुश्मन है। और ऐसे लोगों को ना समाज कोई जगह देता है, ना ही उन्हें कानूनी तौर पर कोई सहायता मिलनी चाहिए। के लिए भी जो लोग शहीद हुए उनके लिए दुआ की गई। तो बाकी हम चाहते हैं कि रियासी के अंदर शांति बनी रहे और आपस में प्यार मोहब्बत में लोग रहें। बकर ईद भी कहते हैं और इस नमाज में हमने पूरे देश के लिए अमन और शांति के लिए दुआ की है। और जिस तरह के अटैक यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर हुए हैं, जो कि मिलिटेंट्स के द्वारा किए गए हैं, ये नाकाबिल बर्दाश्त है। आज हमने ईदगाह में मौलाना साहब की क़यादत में उनके पीछे हमने नमाज की अदा की, ईद की नमाज जो है अदा की हमने। तो वहाँ पर दुआ की गई, सारी दुनिया कायनात में रहने वाले हर बशर के लिए दुआ वहाँ पर की गई। और ख़ुसूसी तौर पर ये दुआ की गई कि अभी चंद दिनों पहले हमारे यहाँ पौनी के इलाका कंडा के पास जो है वो एक मिलिटेंटों की तरफ से एक वारदात हुई थी, एक बस पे फायरिंग हुई और फिर वो बस जो है वो गहरे नाले में गिर गई। तो जिसमें 9-10 के करीब लोग जो थे वो शहादत पा गए हैं, उनके हक में दुआ की गई। और मौलाना साहब ने कहा कि खुदा वो परमात्मा उन्हें स्वर्ग नसीब करे जिन लोगों ने यहाँ पर ये शहादत पाई है। और इस बात की मजम्मत भी की गई है कि जिन लोगों ने ये वारदात की है वो इस्लाम के दुश्मन हैं, वो कौम के दुश्मन हैं, वो देश के दुश्मन हैं। और ऐसे लोगों को ना समाज कोई जगह देता है, ना ही उन्हें कानूनी तौर पर कोई सहायता मिलनी चाहिए और ना ही हमारा देश इस बात की इजाज़त देता है। और हमारा सख्त कानून है और सरकार ने जो फैसला लिया है कि ऐसे लोगों को निस्तो नबूद करने के लिए सरकार पूरा इकदाम कर रही है। और रियासी की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इसमें काफ़ी शिद्दत के साथ काम कर रही है और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द वो कातली, वो मिलिटेंट, वो दहशतगर्द जो हैं वो पकड़े जाएंगे और उन्हें इबरतनाक सज़ा जो है वो दी जाएगी। और मैं डिप्टी कमिश्नर रियासी और अपना अब्दुल रशीद है। और जो नमाज ईद उल अज़हा की नमाज आज हुई है, इसमें इस हिंदुस्तान के अंदर शांति की दुआ की गई। और जो हमारे रियासी पौनी के अंदर एक अटैक हुआ तो उसके लिए भी जो लोग शहीद हुए उनके लिए दुआ की गई। तो बाकी हम चाहते हैं कि रियासी के अंदर शांति बनी रहे और आपस में प्यार मोहब्बत में लोग रहें। जी, मेरा नाम इम्तियाज़ अहमद वानी है और मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और मुस्लिम इंतज़ाम कमेटी के जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। और आज यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर नमाज ईद अल अज़हा की नमाज जो अदा की गई है, जिसे बकर ईद भी कहते हैं, और इस नमाज में हमने पूरे देश के लिए अमन और शांति के लिए दुआ की है। और जिस तरह के अटैक यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर हुए हैं, जो कि मिलिटेंट्स के द्वारा किए गए हैं, ये नाकाबिले बर्दाश्त है और आगे से ऐसे ना हो। हम इसके लिए हमने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर अपनी इस ईद की नमाज में हमने दुआ की है। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मैं जो हमारे यहाँ के लोग रहने वाले हैं, जो हमारे हिंदुस्तान के लोग रहने वाले हैं, मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि आप आपस में ना लड़ें। ये शोभा नहीं देता, हम अपने लोगों को कोसना शुरू कर देंगे, ये गलत बात है। अपने लोगों से मोहब्बत रखें, अगर हम सब एक होंगे तब जाके इस पाकिस्तान जैसी ताकतों का सफाया जड़ से बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। लेकिन हम जब तक अपने आप से अपने लोगों से लड़ते रहेंगे तब तक हम कभी अमन नहीं पा सकेंगे। इसलिए अमन के लिए हमें सबको इकट्ठा होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, या जो मर्जी हो, वो उन सबको मिलकर इन ताकतों के साथ लड़ना पड़ेगा। और इस पाकिस्तान के लोगों को, इन पाकिस्तान के जो नाकाम नाकाबिले बर्दाश्त जो ताकतें हैं, जो ये कायराना हरकतें कर रही हैं, बुजदल जो छुप छुप के वार करते हैं, इनको खदेड़ खदेड़ के मारेंगे।